श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाम। आज हम अध्याय 6 को प्रारंभ करते हैं। शिरडी में रामनवमी का पर्व किस प्रकार प्रारंभ हुआ। कोपर गांव में श्री गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वह बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक की भी संतान नहीं थी। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने ये विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधव राव के समक्ष विचार प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्हें बाबा की ही स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा की जरूरत थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया। परंतु ग्राम के कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त ना हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुसलमान एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्यायपूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से यहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूखा जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता है। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का आयोजन भी किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अण्णा कसार अहमदनगर में रहते थे। वह भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में निकाले गए। अंत में उन्हें मस्जिद, जिसमें बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। ये कार्यक्रम अभी भी पूर्णतः वैसे ही चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिस कर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं। अंत में उन्हें मस्जिद में पहुँचा कर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। का रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी उत्तम प्रकार से चल रहे थे। मेले का महत्व शनिशन बढ़ता जा रहा था। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर गिरी भीष्म अमरावती के दादा साहेब खाटे के साथ मेले में एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़ी में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विमर्श होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक उसी रामनवमी के दिन भरता है। इससे अवश्य ही कुण रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा होगा यदि रामनवमी उत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर
गुण अनुवाद कर सकी, परंतु भीष्म इस समस्या का भी हल कर दिया। उन्होंने इस कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना, तथा राधा कृष्ण माई सौंठ और शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वह दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था, वह वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गई और बाबा के शब्दों का अभिप्राय ना समझ सकने के कारण वह स्तंभ होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लगाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा और यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने को आज्ञा देंगे कि नहीं। परंतु जब बाबा के सभी पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये सब क्या है, ये झूला क्यों रखा है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण ये पालना यहाँ रखा गया है। बाबा के निम्बर पर यह दो हार उठाए, उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रोध होकर उस स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिट पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इस अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी विदित किया कि जब तक कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे, इसलिए वह सब स्तंभ ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि बाबा झूला ना तोड़फोड़ डाले, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उसी दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहता है। दिन के समय दो ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवान का नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते हैं। वह भी प्रातः काल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष
हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उस सब के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व ही श्री महाजन की वाला बुआ से आकस्मिक भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें सौंप दिया गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास प्रसिद्ध कवटे ग्राम में फ्लैग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वह शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने ये कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब ये कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वत्ता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का राव रूप नाम मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तुएं, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सबसे सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वह सदैव उससे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते रहते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उसमें से कोई विवाद नहीं हुआ और ना कोई मतभेद। पहले लोगों की संख्या 5 से 8 हज़ार के लगभग होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती। फिर भी ना कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको मेरी द्वारा सुनाई गई साई सचरित्र पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।